हेलो दोस्तों, गर्भावस्था में आम खाने के क्या फायदे होते हैं और नुकसान कैसे होता है, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करती हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अच्छी अच्छी जानकारी आप तक मिलती रहे। दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान हर एक प्रेग्नेंट महिला को अपने खान पान को लेकर सतर्क रहने की जरूरत होती है। अगर कोई खान पान ऐसा है जिसमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मिलता हो और शिशु के लिए फायदेमंद हो तो उसका सेवन जरूर करना चाहिए। पर ये जानकारी भी रखना बहुत जरूरी है कि कहीं गर्भ को कोई नुकसान नहीं हो, ये भी जानना जरूरी है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी आम खाने के फायदे और नुकसान, ताकि आप आम के फायदे ले सकें, ना कि नुकसान हो आपको। मैं नहीं चाहती आपको कोई भी समस्याओं से आपको जूझना पड़े जो गर्भ के लिए और आपके शिशु के लिए नुकसानदेह हो। पहले मैं फायदे बता रही हूँ दोस्तों। आम में आयरन, विटामिन सी, विटामिन ए, फाइबर, विटामिन B6, पोटेशियम, फोलिक एसिड जैसे कई तरह के पोषक तत्व तो होते हैं जो गर्भवती महिला के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी एनीमिया की। आम में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो शरीर में खून की कमी को पूरा करता है। जो भी महिलाएं आम का सेवन करती हैं, एनीमिया की समस्या नहीं होती है। आयरन की अगर पूर्ति शरीर में सही मात्रा में हो तो ब्लड बनता है, खून की कमी नहीं होती। अगर आप भी खून की कमी से परेशान हैं तो शिशु का विकास रुक जाएगा। दोस्तों, आप आम का सेवन करें, इसमें आयरन होते हैं जो आपके शिशु के लिए काफी फायदेमंद होगा। आम में फाइबर होता है जो कि गर्भवती महिला के पेट को साफ रखने का काम करता है। पेट संबंधी समस्याएं नहीं होती है। कब्ज, गैस, अपच से निजात दिलाने का आपको काम करेगा। आम खाने से मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद मिलती है जिससे पाचन तंत्र सही तरीके से काम करता है। दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान हो रहे हार्मोनल बदलावों के कारण गर्भवती महिला का इम्यून सिस्टम काफी कमजोर हो जाता है, जिसके चलते बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। आम में एंटीऑक्सीडेंट, फोलिक एसिड और कई तरह के पोषक तत्व होते हैं जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करके गर्भ को बीमारियों से बचाए रखने में मदद करता है। प्रेगनेंसी में अधिकतर महिलाओं को ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है। किन्हीं का ब्लड प्रेशर घट जाता है तो किन्हीं का बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो परेशानियां झेलनी पड़ती है। आम खाने से इस समस्या से आपको बचाव मिलेगा। आम ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करके और उसे सामान्य रखने में मदद करता है। प्रेगनेंसी के दौरान कई महिलाओं को मीठा खाने की इच्छा होती है, लेकिन अधिक मीठा वजन को बढ़ाने का काम करता है। आम भी एक मीठा फल होता है दोस्तों, आपको मोटापे से भी बचाने में मदद करेगा और जो मिठाई खाने का आपका मन करता है वो भी आपका पूरा हो जाएगा। तो आप मिठाई, चॉकलेट की जगह आम का सेवन कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। गर्भावस्था के दौरान बहुत सी महिलाओं की त्वचा पर बुरा प्रभाव पड़ जाता है। उसके बाद मुहासे, काले दाग धब्बे, झाइयाँ, डार्क सर्कल्स की समस्या होने लगती है। आम इन सभी समस्याओं को दूर करने में मदद करेगा और त्वचा को सुंदर बनाए रखेगा। गर्भ में शिशु एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर होता है जो शिशु को मूव करने में मदद करता है और शिशु को पोषित भी करता है। शिशु तक सारे मिनरल्स पहुँचाने का काम भी करता है। गर्भावस्था के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड की कमी होने पर मूवमेंट पे असर पड़ जाता है, शिशु का विकास रुक जाता है। आम इस कमी को पूरा करने में मदद करता है। आम में मौजूद पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम एमनियोटिक फ्लूइड को बैलेंस रखने में मदद करता है, जिससे आपके शिशु का विकास सही तरीके से होता है। आम में विटामिन ए अधिक मात्रा में होता है जो न केवल शिशु के समुचित विकास में मदद करता है बल्कि शिशु की मांसपेशियों, हड्डियों, इम्यून सिस्टम और
नर्वस सिस्टम को मजबूत करने का काम करता है। आम में विटामिन सी जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो प्रीमैच्योर डिलीवरी की संभावना को कम करते हैं और शिशु सही टाइम पे जन्म लेता है। आम खाने से शिशु का स्वास्थ्य भी सही रहता है जन्म के बाद। गर्भावस्था के दौरान आम खाने से गर्भवती महिला के शरीर में पोषक तत्वों की जरूरत पूरा करने में मदद मिलती है। शिशु भी आपका स्वस्थ पैदा होता है, पोषण सही मात्रा में होता है और समुचित विकास होता है। यदि आप गर्भावस्था के दौरान आप फिट रहना चाहती हैं, शिशु का विकास सही तरीके से करना चाहती हैं, तो आपको आम खाना बहुत जरूरी है। पर ध्यान क्या रखना है दोस्तों, आजकल गलत तरीके से आम पकाए जाते हैं जो शिशु के लिए गर्भ के लिए जहर का काम है, बहुत नुकसानदेह है दोस्तों। आप सीजन पर आम खाएं, सीजन के पहले आम खाएंगी और सीजन के बाद खाएंगी तो आपके शिशु के लिए आपके गर्भ के लिए हानिकारक होगा। कोशिश करें ताजे आम का सेवन करना है आपको। सड़े गले, जिस पे दाग धब्बे हो, काले रंग का हो गया हो, सड़ा हुआ हो, आप ऐसे आम का सेवन नहीं करें और कोशिश करें कि जो नेचुरल तरीके से पकाया गया हो वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। आयुर्वेद में भी आम का वर्णन किया गया है जो एक प्रेग्नेंट महिला के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, तो आपको कुछ सावधानियों के साथ आम का सेवन जरूर करना चाहिए ताकि शिशु का विकास गर्भ में सही तरीके से हो और आपको भी कोई दिक्कत नहीं हो। इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।